हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मीत की हेल्दी रसोई में। तो आज मीत की रसोई में बनने जा रही है एक बहुत ही डिफरेंट सी चटनी, चटपटी चटनी, जो आपने पहले कभी नहीं खाई होएगी। बहुत ही स्वाद बनती है, बहुत ही हेल्दी बनेगी। हेल्दी इंग्रेडिएंट सारे हम इसमें यूज़ करेंगे, आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये चटपटी डिफरेंट सी चटनी। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी नई मेरी रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इंग्रेडिएंट्स चटनी के लिए, 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 4 तुरियां लहसुन की हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 6 आलू बुखारे हैं, 1 कटोरी है उसमें आधा धनिया है, आधा पुदीना है, और ये काली मिर्च है 1 चम्मच, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर है, 1 चम्मच काला नमक है। तो हम प्याज अदरक और लहसुन को रफली चॉप करके ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड हो गया है, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसके बाद हम धनिया पुदीना और इसी में हम आलू बुखारा जो जिसका पल्प हमने उतार लिया था, ये मैं अमचूर या कैरी या नींबू का रस यूज़ नहीं कर रही या इमली, उसकी जगह पे मैं आलू बुखारा डाल रही हूँ जो कि बहुत ही खट्टा है। मैंने पहले बना के देखी थी, बहुत टेस्टी बनी, सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आपके पास खट्टेपन के लिए कुछ नहीं है या स्पेशल भी आप इसको बना के खाएं, बहुत ही स्वाद बनती है। ये मैंने जीरा पाउडर डाला है, काला नमक डालेंगे, आप चाहें तो हरी मिर्च और लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। वैसे लाल मिर्च ना डालें इस चटनी में तो अच्छा है, काली मिर्च और हरी मिर्च डाल सकते हैं, मैंने हरी मिर्च नहीं डाली। ये काली मिर्च है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च है, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर है भुना हुआ, और 1 ही छोटा चम्मच काला नमक है। तो आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया, इसको उसी बाउल में ट्रांसफ़र करके अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमारा है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डालेंगे, जिसके डालने से जो चटनी है और भी हेल्दी हो जाएगी और उसका जो टेक्सचर है क्रीमी हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी हो जाएगी, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। वो है वॉलनट। मैं अक्सर चटनी में नट्स का यूज़ करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नट्स नहीं खाते, तो आप इस तरह से, अगर आप बच्चे नट्स नहीं खाते तो आप इस तरह से उनको खिला सकते हैं। चटनी वगैरह तो हर घर में यूज़ होती है, जब भी आप चटनी बनाएं उसमें बच्चों के मनपसंद या अपने मनपसंद जो नट्स हैं डाल सकते हैं। आलमंड और वॉलनट आप ज़रूर इस्तेमाल करें, मैं इसमें वॉलनट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वॉलनट को भी आप ग्राइंड अच्छे से करके चटनी में मिक्स कर दें, जिससे इसका जो टेक्सचर है वो भी क्रीमी हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो लीजिए आपकी ये बहुत ही डिलीशियस एंड हेल्दी वॉलनट धनिया पुदीना वाली चटनी बन के तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी तो बनी ही है, साथ में बहुत हेल्दी भी है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके मुझे फीडबैक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, हेल्दी रसोई बाय मीत के साथ। मिलते हैं अगली ऐसी ही हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।